नमस्कार, प्रोग्राम तारे आखते ने वेखने साडे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला कुछ दृश्य दिखाने हैं। सानू जान का मौका मिलिया सत्संग रोड सिविल लाइन्स लुधियाना विखे नव भारती पब्लिक स्कूल दे विच, जिथे बच्चों नू असी जाके उन्होंने लिए इनाम वंडे, उन्होंने रिजल्ट निकलिया सीगा। यह एक ऐसा पंजाब का स्कूल है जिदे कोल अपनी प्लेग्राउंड ना होने के बावजूद यह स्कूल नैशनल लैवल के खिलाड़ी पैदा करता है। सो जे तुसी स्पोर्ट्स है हो तो इस स्कूल दे विच तुसी जरूर शामिल अपने बच्चों को करो, जे तुसी स्पोर्ट्स दे विच उन्होंने बहुत हाइट तक ले जाना चाहते हो। अज गल करते हैं लाल किताब दे विच चंद्रमा दे नाल लाभ दे लई किहड़े किहड़े असीं उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव जी की पूजा आराधना करन दे नाल अशुभ चंद्रमा भी शुभ फलदायक हो जाता है। सोमवार के व्रत भी करने चाहिए हैं। जे चंद्रमा उच्च राशि दे विच होवे तां चंद्रमा नाल संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है। जे चंद्रमा नीच राशि दे विच होवे तां चंद्रमा नाल संबंधित वस्तुओं का दान जिहड़ा हैगा तुसीं कर सकते हो, लेकिन जिहड़ा है इन्हां वस्तुओं नाल संबंधित दान नहीं लैना। यानी कि जे नीच दे विच है तां दान नहीं लैना, जे उच्च दे विच है तां दान नहीं करना, यह सारा फंडा है। सो चंद्रमा दीआं वस्तुआं यानी कि बांस का टोकरी, फिर चावल, कपूर, मोती, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, सफेद फुल, सफेद बल्द, चांदी, शंख, फिर जड़ा कड़ा, मिश्री, शक्कर, दुध, दही, स्फटिक आदि हो सकता है। सो जे संभव हो तो शमशान के चावल तो चांदी आदि रख के आओ। सो गंगा स्नान कर सकते हो। जे नज़दीक कोई नदी हो रोज वगदे हुए पानी के स्नान कर सकते हो। छत के नीचे खूह या बोरिंग बिल्कुल ना लगवाओ। सो माँ के समान सम्मानिया मौसी, नानी, दादी, सस से माँ को कभी भी नाराज ना करो, ना ही उसका अपमान करो, हमेशा उसका आशीर्वाद लो। पलंग के चारों ही पावों के विच चांदी दी किल्लां लगाओ। इदां ही घर के विच स्थित चंद्रमा के नाल अनुकूल असी की कर सकते हैं कि जे जन्म कुंडली के विच चंद्रमा पहले घर के विच होवे तां चांदी के बर्तन का उपयोग करो। सो कच के बर्तन का उपयोग करने नाल चंद्रमा का माड़ा फल निकलेगा। गां पालन दे नाल या दी सेवा करना लाभ होएगा। लाल रंग दे रुमाल दा प्रयोग करो। बरगद दे पेड़ दे उत्ते तुसी जल चढ़ाओ। जब कभी भी यात्रा करते समय तुसी बच्चों दे नाल किसी भी नदी नूं पार करो तो तांबे दे सिक्के परवाह कर दिओ। अपनी मां दे प्यार छू के आशीर्वाद लो ते चंद्रमा दी वस्तुआं उन्हां तों लैके अपने कोल रखो। लाल रंग दीआं वस्तुआं नूं जमीन दे विच दबा सकदे हो। पानी दा जल जिहड़ा हैगा, वर्षा दा जल, इह घरे तुसी रख सकदे हो। जो थोनों कारोबार के रुकावट महसूस हो रही है, व्यापार बंद है, संतान नहीं हो रही, शादी के देर हो रही है, मंगलिक दोष है, गंड मोल की प्रॉब्लम है, कर्जे सिर के उत्ते आ रहे हैं, काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है, पढ़ाई के दिक्कतां ने, घर के बरकत नहीं हैगी, शत्रु थोनों परेशान कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े उत्ते हावी हुए हैं, विदेश यात्रा नहीं हो पा रही, थोनों महसूस होंगे कि थोड़े उत्ते किता कराया, खिलाया पिलाया या कोई उपरी कसर है, तुसी नशा तो दूर नहीं हो पा रहे, थोनों लंबी बीमारी है या घरेलू कला कलेश अशांति हैगी है, घर नहीं बन पा रहा, प्यार दे विच धोखा मिल गया या कोई सोतन तो परेशानी है या घर दे विच वास्तु दोषां दी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी किस्मत मंदी है। जे इदां दी कोई भी समस्यावां ने तां उहदे इक वैदिक हल दे लई तुसी सानूं अपना टेवा दिखा के उहदा हल पुछ सकदे हो। इदां ही गल करदे आ अज दे नुक्ते दे बारे, ब्रोंकाइटिस यानी कि जिहड़ी कफ दी बीमारी हुंदी है बहुत ज़्यादा गले नाल संबंधित। सो तुसी जिहड़ा है हल्दी नूं दीपक दी लौ दे उत्ते सेक के चूरन बना के 1-2 ग्राम चूरन शहद दे नाल चटाओ। बहुत ज़्यादा सिगरेट पीन दे नाल या जिहड़ा है शराब पीन दे नाल भी छाती दे विच ज़्यादा मात्रा दे विच कफ जम हो जाता है। सो थोड़ा जिहा मेहनत करन या चलन फिरन नाल साह फुलन लग जाता है। ऐसी हालत दे विच जिहड़ी असीं तुहानूं दस्सी है कि हल्दी का सेवन करन नाल इह कफ सारा निकल सकता है। बहुत वारी साडी बीमारी जिहड़ी है साडी बिल्कुल नहीं ठीक हो रही हुंदी, असीं बहुत सारियां दवाइयां लैंदे आ फिर भी ठीक नहीं हुंदे। ऐसी हालत दे विच सानूं टेवा जरूर दिखाउणा चाहीदा क्योंकि सानूं पता लग जांदा है कि किहड़े ग्रह दे कारण जिहड़ा है ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ। ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि मकान दे विच पूर्वी उत्तरी हिस्से दे विच बिना कोई खाली जगह छड्डे घर दा जे निर्माण हो गया तां घर दे विच पुरुष संतान घट पैदा हुंदी है या होण वाली संतान विकलांग पैदा हुंदी है। सो भूमि दे पश्चिमी दिशा दे दरवाजे दा मुख जिहड़ा हैगा पश्चिम दक्षिण दे कोने दे विच हुंदा ते भयंकर बीमारी समय तो पहला मौत ते तनहानी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के घरों के वास्तु दोष हुंदा है, टॉयलेट गलत जगह ते बनी है, मंदिर गलत जगह ते बनया, रसोई गलत जगह ते बनी है,
इस हिसाब के घर के टनान जी कि रखनी है उत्थे नहीं है, टैंकी कितने है उत्थे नहीं है, टॉयलेट पिट जिथे नहीं होना चाहिए उत्थे है। यही कारण है कि लोग बहुत बीमार रहते हैं। जे थोड़े घर का वास्तु भी खराब है तो तुसी या साडा पर्सनल विजिट करवा सकते हो या साडे को नक्शा लिया के उनु चेक करवा के बिना तोड़े भन्ने अपने घर का वास्तु निश्चित रूप से बहुत वधिया बना सकते हो। पर प्यारे दर्शकों, आम तो पहला टाइम जरूर ले लियो। इदां ही गल करदे हां रुद्राक्ष दी। रुद्राक्ष दे द्वारा असीं वख-वख रोगों का इलाज भी कर सकते हैं। किदां? नोट करो। सब तो पहला हाई ब्लड प्रेशर की गल करते हैं। रुद्राक्ष की पसम स्वर्ण माक्षिक पसम के नाल बराबर की मात्रा के रोज तुसी जड़ी एक एक रत्ती सवेरे शाम दुध दही या मलाई के नाल रोगी दोगे तो हाई ब्लड प्रेशर के आराम मिलेगा। सो हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही वधिया है। ये जरूरी है कि रुद्राक्ष की माला या सिर्फ एक मुखी रुद्राक्ष का दाना रोगी के हार्ट तक जाता रहे। जब दाना या माला हार्ट का स्पर्श करती रहेगी तो रोगी को लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष के नाल जड़ा शरीर के ताप को खिंचन की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ताप खिंचे जाने खून की जड़ी मात्रा जड़ी हैगी है उसकी उच्चता हैगी है, प्रैशर जड़ा हैगा वह सामान्य यानी कि नॉर्मल हो जाता है। रुद्राक्ष भगवान शिव जी की शक्ति का आशीर्वाद है। रुद्राक्ष पाने के जिथे थोड़ा बीपी ठीक हुंदा है उत्थे थानू कंसंट्रेशन मिलती है तो शरीर की सारी फालतू गर्मी जिहड़ी रुद्राक्ष बाहर कर दिंदा है। थानू हर इंसान नू एक रुद्राक्ष जरूर पाना चाहिए अपने लगन के मुताबिक या अपनी राशि के मुताबिक। रुद्राक्ष के नाल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिलती है। जिन्हें भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने जरूर रुद्राक्ष पाना चाहिए जिदे नाल याद रखने दे विच बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन रुद्राक्ष नू पाउण तों पहला एक चीज का जरूर ध्यान दो कि जे तुसी कोई भी नशा करते हो या कोई भी तुसी नॉन वेज खाने हो तो रुद्राक्ष तुसी बिल्कुल नहीं पा सकते। इन्हां चीजा का त्याग करना पेगा ताही तुहानू मिल पाएगा भगवान भोले शंकर जी का आशीर्वाद रुद्राक्ष के रूप दे विच। अपना टेवा दिखा के तुसी सानू भी पुछ सकते हो कि थोड़े केड़ा रुद्राक्ष पवेगा। असी साढ़े एक हफ्ते के सारे प्रोग्राम्स दे विच जिन्हें भी टोटके नुक्ते वास्तु रुद्राक्ष रत्ना बारे जानकारी ते ज्योतिष ते जिन्हें भी असी टॉपिक्स दसते हैं सारे दे बारे जानकारी तुसी साढ़े हफ्तावार अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच हासिल कर सकते हो। जे तुसी इहनूं घर बैठे बिठाए मंगवाना चाहते हो तो सिर्फ 130 रुपए साल दे भेज के तुसी 52 इशूज थोड़े कोल घरे डाक राही पहुंच जाएंगे। बड़ा अति धन्यवादी हाँ इन्हां ने सानूं सीधे रस्ते पाया और पहला साडा नुकसान हो गया उत्थे सानूं आस्ट्रेलिया से परौण आया सी लड़के का वह साडा कम नहीं सिरे चढ़िया। असी टीवी इन्हां दा परौण दो टाइम देखते हैं तो सानूं परमात्मा की कृपा नाल असी इन्हां नूं आके मिले तो इन्हां ने सानूं भरोसा दवाया भी थोड़ा 15-20 महीने थोड़ा कम सारा हो जाएगा। ठीक 20 वार ही इन्हें उत्थे जाना कनेडा और परमात्मा ने इन्हां दा असी बड़ा सुखविंदर जी दा धन्नवाद करते हैं भी इन्हां ने सानूं सीधे रस्ते पाता। मेरे बेटे की स्टडी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से वो सीए क्लियर नहीं कर पा रहा था। मैंने पंडित जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और उन्होंने कुछ रेमडीज बताई जिसकी वजह से आज वो सीए बन गया। सुखविंदर जी जो तुसी माता पिता जी की सेवा लिए दसते हो बहुत अच्छा दसते और बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जोशी सुखविंदर जी जिन्हों को ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा भंडार है तो असी भी एक जोत विकलांग स्कूल के बच्चों वालों बहुत सारे बच्चे जो कि मानसिक तौर पर शरीरक तौर पर रोगी सन इन्हों को भेजा तो साढ़े बहुत बच्चे तंदुरुस्त हो के खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो मैं जो भी सुन रहे हैं उन्होंने बेनती करती हाँ कि जो तुसी भी किसी तरह की किसी मुसीबत विच या दुख विच हो तो उस कष्ट नूं दूर करन दे लई जो श्री सुखविंदर जी की जो विद्या है इनू सहारा लो तो अपना जीवन खुशी बिताओ। सो शनिदेव की दशा अंतरदशा टही है या साठ सती दे विच जिहड़ा है मजदूरों की सेवा करो जुत्ते लैके दो उन्हां नूं तेल लैके दो छतरी का दान करो। सो शनि की पहली टही दे विच मिट्टी के बर्तन दे विच सरों का तेल भर के तालाब के किनारे चिक्कड़ दे विच तुसी दबा सकते हो। सो दूजी टही दे विच 60 ग्राम काला सुरमा तुसी जंगल दे विच जाके गड़ सकते हो। तीजे टही दे विच सप्प नूं दुध पिलाओगे या भगवान शंकर जी के उत्ते बने सप्प ते दुध चढ़ाओगे। सो इस दे नाल शनि देव दे जिन्हें भी प्रॉब्लम्स तुहानू दे रहे हैं वह आश्चर्यजनक रूप दे नाल ठीक हो सकती है। जे तुहानू तुहाडी जन्म तरीक समा स्थान कुछ भी नहीं पता बिल्कुल घबराओ ना। ज्योतिष दे विच छोटे छोटे टोटके करके भी तुसी अपनी समस्या का हल हर हाल च कर सकते हो।
लेकिन बहुत जरूरी है कि उन्हें पहले टाइम ले लो, इसलिए फोन चक्को साड़ा नंबर घुमाओ तो उस तो बाद टाइम लेके आओ, भगवान थोड़ी समस्या जरूर हल करेंगे। गल करते हैं जी असी अज के रत्ना के टॉपिक के बारे। सो मरकत मनी यानी कि पन्ने की गल कर रहे थे रोगों के, पसम जी है बल वर्धक, शरीर की विच जड़ा जहर आता है वह विनाशक होता है, फिर जड़ा है दीपक ओज पूरन जड़ा है, फिर पांडु रोग दे लई ते शोथ रोग नाशक हो जाता है। सो इहदे सेवन दे नाल साह दे रोग वमन ते बवासीर दूर होंदे है। बहुत ज़्यादा सानीपात बुखार की अवस्था दे विच जब दिल कमजोर हो गया होवे तां ज्ञान शक्ति कमजोर होगी तो रोगी जड़ा है मौत ते मूँह दे विच जाण लग गया, तो पन्ने की पसम जड़ी है रोगी नूं देण दे नाल जिंदगी प्रदान होंदी है। पन्ने दे चिकित्सा दे विच बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन एक अनुभवी वैद तो ही तुसी जड़ा है परामर्श लैके इन्हां प्रयोगों नूं करो, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। हुण टॉपिक है कि लगन के मुताबिक पन्ने नूं धारण करने बारे। मेष लगन वाले जातकों के लिए बुध जड़ा है तीजे ते छेवें भाव का स्वामी होता है, ये दोनों ही भाव जड़े माड़े स्थान कहे जाते हैं, इसलिए इस लगन वाले जातकों नूं पन्ना रतन धारण नहीं करना चाहिए। सो प्यारे दर्शको, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बुध जड़ा है दूजे ते पंजवें भाव का स्वामी हो जाता है, इस लगन वालों के लिए बुध बहुत ज़्यादा लाभकारी ग्रह हो जाता है। जे जातक पन्ना धारण करते हैं तो उन्होंने शांति, आर्थिक संपन्नता ते संतान सुख हासिल होता है। बुध की दशा के यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। जे जातक पन्ना ते हीरा दोनों ही पहनते हैं तो इन्हों आर्थिक रूप के प्रभावशाली तो मजबूत रहते हैं। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए बुध लगन ते चौथे भाव का स्वामी होता है, बुध इस लगन दे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा योगकारक ग्रह होता है। सो इस जातक के लिए भी जड़ा पन्ना सारी उम्र ही एक रक्षा देने वाला रतन होता है, जिन्हें धारण करना जातक नूं प्रॉपर्टी के वाहन का पूरा सुख मिलता है, वक् वक् खेत्रां दे विच उन्हें प्रोत्साहन ते वधावा भी मिलता है। सो साडा टोटका ते रत्ना बारे चमत्कारी जानकारी तुसी साडे अखबार दे विच पढ़ सकते हो, जिन्हों सारा साल मंगा सकते हो हर हफ्ते दे लई सिर्फ 130 रुपए भेज के। रत्ना दे विच बहुत ज़्यादा शक्ति होंदी है, ये रत्ना नूं जदों असीं पाउंदे हां तां इहदे नाल कॉन्फिडेंस भी आता है, साडियां बहुत सारियां प्रॉब्लम्स दूर होंदियां है। लेकिन साडा परसनल एक्सपीरियंस है, असीं जिन्ने भी लोगों के कुंडलियां देखियां उन्होंने 95% लोगों के या तो गलत रतन पाए होंगे या नकली पाए होंगे या वह पाए होंगे जिन्हों की लोड़ बिल्कुल नहीं है, जोड़े रतन पहने चाहिए है उन्होंने नेड़े की कभी वह नहीं निकलते। रतन सूरज दिरणा लैके शरीर तक पहुँचते हैं तो एक चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं। जे तुसी भी कोई भी रतन पाना चाहते हैं तो उदू पहला सानू अपनी कुंडली जरूर चैक करा सकते हो, तो असं तुम्हें सुजैसट कर सकते हैं कि तुम्हें कहड़ा रतन पाना चाहिए। तो साढ़े को एक उप रतन की सिद्ध की हुई अंगूठी सिर्फ 700 रुपए तो लैके पा के निश्चित रूप के प्रभु का आशीर्वाद हासिल कर सकते हो। मेष राशि वाले फोन की पहली घंटी सात समुद्रों पार बहुत वधिया संदेश लैके आ सकती है। वरिष्ठ राशि वाले प्यार दियां पींगां झूटते रहनगे ते मिथुन राशि वाले मन चाहे स्टडी कोर्सेज दे विच दाखला ले सकते हैं। कर्क राशि वाले काम की कंसंट्रेशन बनने च प्रॉब्लम आ सकती है। सिंह राशि वाले अफसरों नाल बिगाड़ पै सकता है। कन्या राशि वाले मन चाहे अज कारोबार नूं स्टार्ट कर सकते हैं। तुला राशि वाले बहुत सारा खर्च हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले शत्रुओं नाल अज प्यार बन सकता है। धनु राशि वाले बहुत अज परेशानियां घेर सकती हैं। मकर राशि वाले तुहाडी पत्नी तुहाडे नाल झगड़ सकती है। कुंभ राशि वाले प्यार तो शादी तक की गलबात चल सकती है। मीन राशि वाले विदेश तो चंगे सुख समय आ सकते हैं। ये साडा सारा राशिफल जिहड़ा हैगा तुसी साडे अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच वी पढ़ सकते हो। ज्योतिषी सुखमिंदर 3G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया, फोन नंबर 94170533 98 726 2533। जाने तो पहले यही कहांगे सब तो उच्चा दरसा मां दा, जदों भी घरों जांदे हो मां दे चरण छुके जाओ, पिता जी दा आशीर्वाद लैके जाओ, गुरु जना दसे हो रस्ते ते चलो, झूठ ना बोलो, गाला ना कढ़ो, किसी का भी माड़ा ना करो, तकदीर थोड़ी बहुत ही वधिया हो जाएगी। तियां नूं कुखां च ना मारो, हर घर दे विच घर दे बाहर एक रुख जरूर लगाओ, नशियां तो दूर रहो, दसवंद कढ़ के नेक कम्मां च जरूर लगाओ, थोड़े सारे सितारे बहुत वधिया हो जाएंगे। साडे ज्योतिष की सारी जानकारी साडे अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच पढ़ना बिल्कुल ना भुलियो। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।